पुलिस ने जल्दी सुलझा लिया है। प्रेस वार्ता करके पुलिस ने दो आरोपी का खुलासा किया है कि हमने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि आरोपी कहां का रहने वाला है। एक आरोपी भाईंदर का रहने वाला है, दूसरा आरोपी नाला सुपारा का रहने वाला बताया। ये 21 अगस्त शनिवार को नाला सुपारा वेस्ट में ज्वेलर्स का जो किशोर जैन करके ज्वेलर्स है उनका दुकान था, इसलिए हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि उनके दुकान में जाके उनको मार दिया गया है, उनकी हत्या की गई थी और जो ज्वेलरी है वो चुरा के कुछ लोग भाग गए हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ गुना दाखिल किया है नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में। घटनास्थल पर पुलिस कमिश्नर मेरा महेंद्र वसीपुरा, बाकी सब सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया था। हमारे गुना जो सीरियस सेंसिटिव गुना था, एक व्यापारी की हत्या की थी इसमें, ज्वेलर्स एसोसिएशन में काफ़ी सारा असंतोष था, इसलिए हमने इसमें जो हमारे ऑफिसर्स थे अलग अलग पुलिस स्टेशन के सभी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स 15 टीम बनाई थी। मेरे वो 20 ऑफिसर्स एंड 70 पुलिसमैन इसमें इन्वॉल्व थे। अलग अलग टीम बना के इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। हमारे लोगों का इसमें बहुत शार्पनेस और बहुत स्पीडली इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और कम टाइम पे आरोपी का शिनाख्त किया गया और उनको उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए बास रिपेयर में नाला सुपारा ईस्ट से उनको अरेस्ट किया है। इन लोगों ने जो आरोपी है इसमें से एक आरोपी है नाला सुपारा में रहता है, वो नाला सुपारा वेस्ट रेलवे स्टेशन में उसके आने जाने के रास्ते पे दुकान लगता है इनका, किशोर जैन का। तो हमेशा देखता था कि वो अकेला ही दुकान में रहता था, वो 1.5-2 महीने से वो प्लान कर रहा था कि इसको वो करने के लिए। उसके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास पैसे पैसे ले पैसे पाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। जब वो अकेला था दुकान के अंदर, उन्होंने 9 बजे वो जिस दिन घटना हुई उस 9 बजे वहाँ आए थे। 9 बजे आने के बाद उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ उसका वेट किया। दुकान खुलने के बाद जब उसको पूजा वगैरह की और वो अंदर गया तब उन्होंने अंदर ये उन्होंने एंट्री किया। जब उसको चाबी मांगने लगे तो उसने अपोज किया, वो चिल्लाने लगा, इसलिए उन्होंने उसका मुँह दबाया, उसके हाथ पाँव बांधे, उसके ऊपर हमला किया। उसमें शार्प वेपन से हमला करने की वजह से उनके स्पॉट पर उनकी डेथ हो गई थी। बाद में ज्वेलरी वो लेके भाग गए थे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे हर न्यूज की अपडेट हमारे चैनल से सबसे पहले।